Hit the subscribe button and bell icon, and never miss an update from Onenest Studio. कहते हैं जैसे सिक्के के दो पहलू होते हैं, उसी तरह दुनिया में भी हर चीज के दो रूप होते हैं, एक सही तो एक गलत, एक आसान तो एक मुश्किल, एक अच्छा तो एक बुरा। और इन्हीं दो पहलुओं को देखने के नजरिए से इंसान भी दो शख्सियत में बंट जाता है। कोई भी नजरिया एक तरफा नहीं होता, लेकिन अक्सर हम खुद को उसी नजरिए में ढाल लेते हैं जो या तो हमें बचपन से सिखाया जाता है या फिर वो जिसमें खुद को ढालना आसान होता है। लेकिन जिंदगी में एक मोड़ ऐसा आता है जहाँ हमारी मुलाकात एक ऐसे इंसान से होती है जो हमारा नजरिया ही बदल देता है। शायद मेरा नजरिया बदलने के लिए भी वही दिन था जिस दिन मेरी उससे मुलाकात हुई। अपनी पिछली कंपनी से कॉस्ट कटिंग के बहाने निकाले जाने पर सर पर जैसे मानो मुसीबतों का पहाड़ी टूट पड़ा था। ख्वाहिशों को बोझ बनाकर सपनों का पेट्रोल डाल जिंदगी की जिस गाड़ी को मैं टॉप स्पीड में भगा रहा था, वो अचानक उस पहाड़ के आड़े आने से थम सी गई थी। और गाड़ी में सफर सारे मुसाफिर, जैसे छोटी बहन की शादी, माँ बाबूजी की चार धाम की यात्रा, होम लोन का कर्ज, हायर एजुकेशन और नई गाड़ी के सपने, हर पल बस एक ही आस लगाए बैठे रहते कि शायद कोई चमत्कार हो जिससे वो पहाड़ हटे और गाड़ी फिर रफ्तार पकड़े। और उसी आस को पूरा करने की होड़ में वो ड्राइवर यानी कि मैं रोज सवेरे निकल पड़ता नौकरी की तलाश में, एक कंपनी से दूसरे कंपनी भटकता रहता। लेकिन वो कहते हैं ना, जब वक्त साथ नहीं देता, या फिर यूं कहें जब बुरा वक्त चलता है, तो रास्ते पर पड़ा हुआ पत्थर भी उछलकर आपको चोट दे जाता है। उसी तरह जहां एक ओर घर वालों की बढ़ती उम्मीदें और एक के बाद एक कंपनियों की रिजेक्शंस उस मुसीबतों के पहाड़ को मजबूत कर रही थी, तो वहीं दूसरी ओर उस बंद गाड़ी के कार्बोरेटर में जंग लगाने का भी काम कर रही थी। ऐसे ही एक दिन दो कंपनियों से वी आर सॉरी और तीसरे से वी विल गेट बैक टू यू सुनकर थक हार कर घर लौटकर उम्मीदों के खिलाफ जो असलियत की जंग लड़नी है उसकी तैयारी कर कैब बुक ही की थी कि वहां भी रिजेक्शंस ने पीछा ना छोड़ा। एक के बाद एक दो कैब्स के कैंसलेशन और तीसरे का देर से पहुंचना मेरे गुस्से को अपनी चरम सीमा तक पहुंचा ही चुका था। उसने ट्रिप स्टार्ट कर जैसे ही मेरी ओर देख अपनी मुस्कुराहट भरी तो मैं अपने गुस्से पर काबू ना कर पाया और चिल्लाने लगा। मेरे उस बर्ताव के पीछे शायद ही उसका देर से पहुंचना कोई कारण था। उसमें तो घर वालों की उम्मीदों पर खरा ना उतरने का दुख, एक के बाद एक कंपनियों से रिजेक्शंस का बोझ, खुद की नजरों से नजर ना मिला पाने का गम और ना जाने और कितनी परेशानियों का मिश्रण था। आप लोगों को कस्टमर्स की कोई कदर ही नहीं, दिन भर की जद्दोजहद के बाद ना जाने कितनी परेशानियां लिए जब कोई घर लौटता है तो उसकी मुश्किलें कम करने के बजाय आप लोग और बढ़ाते हैं। आप लोग का क्या है, जब मर्जी गाड़ी चलाओ, ना मन करे तो ना चलाओ, नौकरी की फिक्र नहीं, किसी को कुछ कहने की जरूरत नहीं। और ना जाने उससे पूरे सफर में कितना कुछ कह गया, लेकिन उसकी ओर से हमेशा एक ही प्रतिक्रिया मिली, उसकी वो चुप्पी और वो रियर व्यू मिरर वाली सहमी सी मुस्कुराहट जो मेरे गुस्से को एक्सपोनेंशियली बढ़ाती। कस्टमर केयर में कंप्लेन करने के लिए फोन उठाया ही था कि ड्राइवर डिटेल्स पढ़कर शरीर में एक कपकपी सी लगी और आंखें भर आई। डिटेल्स में लिखा था डेफ और हार्ड ऑफ हियरिंग एंड म्यूट, सुनने और बोलने की अयोग्यता। एक पल के लिए तो ऐसा लगा जैसे मानो पैरों तले जमीन ही खिसक गई हो, जैसे किसी ने 440 वोल्ट का झटका ही दे दिया हो और जो जबान कुछ ही पल पहले कैंची की तरह चल रही थी वो एक माफी की गुहार में अब हकला भी नहीं पा रही थी। खुद को संभाल, आंसुओं को पोंछ, बस एक टक उस मिरर की ओर देखता रहा कि शायद एक बार वो फिर देखे और उससे माफी मांग पाऊं, उससे कितना कुछ कह पाऊं। और सफर के बीते पलों को मन ही मन दोहराता गया जिसमें हर बार खुद की मुश्किलों और परेशानियों को उसकी उस मुस्कुराहट के सामने हारता हुआ पाया जो कि शायद उसकी मुश्किलें और परेशानियों के सामने ना के बराबर थी। और कैसे मैं बिन कुछ समझे, बिन कुछ जाने उसे कितना कुछ कहा कह गया, उसे जज करने लगा था। सफर खत्म होने पर उसने ट्रिप एंड कर मेरी ओर देख जब आखिरी मुस्कुराहट भरी तब मैं मानो एक सैलाब ही उमड़ पड़ा हो दिमाग में जो कहीं होंठों तक पहुंचकर थम सा गया था। उससे माफी मांगना चाहता था, उससे कितना कुछ कहना चाहता था, लेकिन इशारों से सिर्फ थैंक यू ही बयां कर पाया, क्योंकि वो कहते हैं ना कभी कभी वर्णमाला के 26 अक्षर वो बयां नहीं कर पाते जिन्हें इशारे कुछ इस कदर बयां कर जाते हैं जो दिलों को छू यादों में तब्दील हो जाती हैं। उसने एक आखिरी बार उस मिरर में देख अपनी सहमी मुस्कुराहट भरी और वहां से चला गया, लेकिन यादों के पन्नों में एक ऐसी छाप छोड़ गया जिसे मैं इस कहानी के जरिए दोबारा फिर जीने की कोशिश करता हूँ। वो
आईना, जिंदगी का वो हसीन आईना दिखा गई जिसे देखने के लिए नजर की नहीं शायद नजरिए की जरूरत थी, वो सीख सिखा गई जिसे हम जानते तो सभी हैं लेकिन मानते कितने की, नेवर जज अ बुक बाय इट्स कवर, क्योंकि हम नहीं जानते कौन कितनी मुश्किलों और परेशानियों के साथ अपनी जिंदगी जी रहा है। लेकिन हाँ, अगर हम खुद की मुश्किलों और परेशानियों का सामना उसी रियर व्यू मिरर वाली मुस्कुराहट के साथ करें तो शायद मुश्किलें कम ना हो लेकिन उन्हें देखने का नज़रिया शायद बदले। और सबसे ज़रूरी सीख ये कि इशारे कभी कभी चीज़ों को इस कदर बयां कर जाते हैं जो लाखों अल्फाज नहीं कर पाते। इसलिए तो शायद बड़े सयाने सच ही कह गए हैं कि एक्शन स्पीक्स मच 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 लाउडर देन वर्ड्स। बहुत बहुत शुक्रिया।